एम्स निर्माण में इतनी देरी क्यों हो रही है डबल इंजन की सरकार में? जीवेश जी छोटा सा जवाब फिर मैं आता हूँ आरजेडी के पास। इसलिए देरी हुई कि बीच में आ गए जंगल राज वाले लोग सरकार में 17 महीने और उन्होंने एम्स की जगह बदल दी, तो हमने फिर निश्चय किया, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए अखिलेश जी, हमने निश्चय किया कि जहां जमीन बिहार सरकार देगी ये मोदी का वादा है हम वहीं एम्स बनाएंगे, और इसको हमने क्लियर किया है, ये मोदी की गारंटी है, गारंटी पूरा होने की गारंटी। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ राजद के साथियों की, आप हेल्थ की बात कर रहे थे, 2005 के पहले महीने में 39 पेशेंट आता था रेफरल अस्पताल में, आज 11,600 पेशेंट आता है रेफरल अस्पताल में। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि बीच में आरजेडी की सरकार आ गई थी इसलिए हमसे नहीं बन पाया। इसलिए ये 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन जिस दिन कर रहे थे, 500 करोड़ से ऊपर की लागत का समस्तीपुर में हमने स्वास्थ्य वहां से राम जानकी हॉस्पिटल बनवाने का काम किया। इसको राम मंदिर से क्यों जोड़ा आपने, इसके पीछे कुछ वजह है? नहीं, राम मंदिर से क्यों जोड़ा, उस पर कोई आपत्ति आपको? नहीं, आपत्ति नहीं है मुझे। राम मंदिर से क्यों जोड़ रहे हैं आप? आप एक तरफ ऐसी संस्थानों को का शुभारंभ कर रहे हैं जिससे देश के विकास का कोई सरोकार नहीं है। हम करोड़ों लोगों के, हिंदुओं के जो आस्था के प्रतीक है राम, उनसे किसी का कोई लेना देना नहीं आरजेडी वालों का। मैं बताता रहा हूँ, करोड़ों लोग सनातनी है, अपने 20-25 साल पूर्व से राम को मान रहे हैं, राम को मानेंगे, राम को मानते रहेंगे। लेकिन जिसकी व्यवस्थाएं बिहार में होनी चाहिए, कोई ऐसा देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बता दीजिए जिसमें किसी एक मंच से 2.5 लाख नियुक्तियां पत्र बांटने का काम किया हो। ठीक है, अब जनता से फटाफट सवाल ले रहा हूँ, किसको क्या कहना है, जो बोल चुके हैं वो नहीं। हाँ बोलिए, अपनी सवाल पूछिएगा। सिर्फ मेरा कहना है कि कुछ थोड़ा देर पहले हमारे साथी ने पुलवामा पे सवाल पूछा था, मैं उस साथी को जवाब देना चाहता हूँ कि देश में जगह जगह जब बम ब्लास्ट हो रहे थे तो उस वक्त उसको याद नहीं आ रहा था कि किसकी सरकार थी। आपको पता होगा कि मुंबई में आतंकवादी छोटे में। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आरजेडी के लोगों से कि या उनको पता होना चाहिए कि 2005 से पहले 15 साल आरजेडी का सरकार रहा, और 15 साल के बाद 2005 से लेकर अभी तक माननीय नीतीश कुमार का सरकार है। यह विकास आज के सरकार में हुआ, जिस समय में लालू जी का सरकार था उस समय में झारखंड भी बिहार में था, तो क्यों नहीं बिहार का विकास हुआ? ठीक है, हाँ। सर मेरा कहना है वो जी, मेरा कहना है मतलब जीवेश मिश्रा जी से, विधायक जी से, कि मिथिला यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिलेगा? जी मेरा सवाल है जीवेश मिश्रा जी से और मदन सहनी जी से कि ये दोनों लोग मिथिलांचल से आते हैं और ख़ास तौर के दरभंगा से आते हैं, तो इन लोगों का दरभंगा के प्रति डेवलपमेंट का कितना सही इरादा है? सवाल हो गया, इधर बोलिए। मेरा सवाल, मैं एक युवा हूं और मैं किसी पक्ष को बिलोंग नहीं करता हूं, मेरा सवाल जीवेश मिश्रा जी से, मंत्री रहे हैं, मदन सहनी जी से मंत्री रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि रेलवे की तैयारी बहुत सारे युवा करते हैं और जब उसमें लोको पायलट की वैकेंसी निकली तो सिर्फ 5700 वैकेंसी निकली, ऐसा क्यों? रोजगार के लिए मोदी जी का क्या क्या योजना है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? छीनिए मेरा काम है। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? अरे कुछ तो सोच होगी आपकी, कौन किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? आप बोलना ही नहीं चाह रहे? हाँ बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जहाँ आप खड़े हैं मिथिलांचल में बहुत लंबे समय से बाढ़ से ग्रसित रहा है और बिहार के बेरोजगारी का ये भी एक कारण बना रहा है। मैं आपके आरजेडी नेता से पूछना चाहता हूँ कि लालू जी ने 90,000 करोड़ रुपया बिहार का चारा घोटाला में क्यों किया? ठीक है, चलिए आप लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मेरे पास समय का अभाव है, मैं चाहूंगा कार्यक्रम का समापन आपके साथ करना चाहूंगा, कार्यक्रम का समापन आपके साथ, एक मिनट। राम, हेलो, रामाय रामाय बोले, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेर से, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेर से, रामाय रामचंद्राय राम भद्राय। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।